क्या आप भी इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं? हैरानी की बात तो यह है, इन जैसे यूएफओस हर समय इसरो के लैंडिंग साइट्स पर स्पॉट किए जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ एवं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये फुटेज 27 सितंबर 2015 की है, जब इसरो के रॉकेट ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। इस फुटेज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और तब से दुनिया में यह चर्चा होने लगी कि इसरो एलियंस के संपर्क में है, और इसकी पुष्टि 15 जुलाई 2019 में इसरो द्वारा लॉन्च किए जा रहे चंद्रयान 2 से की जा सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। बेलोर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा रहस्यमय मटेरियल चांद के साउथ पोल के एटकिन बेसन पर खोज निकाला है। यह लगभग 200 अरब साल पहले यहाँ एक धूमकेतु के टकराने से बना होगा। इस क्रिएटर की चौड़ाई करीब 2000 किलोमीटर है। इसे पृथ्वी से देख पाना असंभव है क्योंकि यह चांद के डार्क साइड में मौजूद है। चांद के इस हिस्से में काफी रहस्य है क्योंकि यह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, और आश्चर्य की बात तो यह है, यह वही स्थान है जहां इसरो अपने चंद्रयान 2 की लैंडिंग करवाने वाला है। और तो और, इसरो ने इस बेसिन का पता चंद्रयान 1 द्वारा ही लगाया था। बेलोर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसे समझाते हुए यह कहा कि यह अब तक का सबसे रहस्यमय मास है जिसका उन्होंने पता लगाया है। जब इन रिसर्चर्स ने नासा के ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी यानी GRAIL मिशन द्वारा दी गई जानकारी को एनालाइज किया तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने यह दावा किया कि यह एस्टेरॉयड नहीं था बल्कि कुछ और ही था जिसने इस विशाल क्रेटर को बनाया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह चंद्रमा के कोर पर मौजूद है, लेकिन यह अभी तक उसमें धंसा तक नहीं। एटकिन बेसन लगभग 1 खरब साल पहले बना था और यह आज भी वैसा का वैसा ही है, और यह एटकिन बेसन ही है जिस पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आधारित हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यह चांद का वही हिस्सा है जहां कभी कई रिसर्चर्स ने यह दावा किया था कि अमेरिका ने 2 टन का सेंचुरा काइनेटिक वेपन डेटोनेट किया था, क्योंकि नासा को इस स्थान पर एलियन बेसिस होने का शक था और यह घटना काफी चर्चा में रहा। अगर आप इसे और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारी शंका इस पर और भी इसलिए गहराती है क्योंकि चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग डेट्स को बार बार बदला गया, जबकि इसरो टेक्निकल तौर पर 2018 से ही रेडी था। हम इसरो में चल रही कई खुफिया कार्यक्रमों को नहीं जानते, परंतु इतना तो जरूर समझ आता है कि इसरो किसी न किसी रूप से एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल जीवों के संपर्क में है। हाल के दिनों में चाइना का चैंग 4 रोवर भी इन्हीं क्रेटर्स के आसपास उतारा गया, और कई बातें सामने आई थी कि चाइना ने इसके आसपास एलियन बेसिस देखा है, पर इन रिपोर्ट्स को चाइना और अमेरिका ने मिलकर खारिज कर दिया। अगर इसरो द्वारा लॉन्च किए जा रहे चंद्रयान 2 सफल होता है तो यह चंद्रमा के एटकिन बेसन के कई रहस्यों को उजागर करेगा, और इसके साथ ही भारत पहला देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा के इस हिस्से पर अपना रोवर उतारा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो बीट ऑफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, हमें फॉलो करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।